वैसे भी कैप्टन की आखिरी सियासी लड़ाई है, वो खुद कह चुके हैं, लिहाजा कैप्टन पूरी ताकत लगा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस की प्रभारी आशा कुमारी भी कांग्रेस को इस लड़ाई में नंबर वन करार दे रही हैं, जबकि दूसरे नंबर के लिए आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला अकाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनवा रहे हैं। 4 फरवरी को पंजाब में वोटिंग का दिन रहेगा, उससे पहले सूबे के सियासी दलों में खुद को नंबर वन बताने की होड़ लग गई है। पंजाब कांग्रेस के माने तो 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। खुद को नंबर वन बताने वाली कांग्रेस दूसरे नंबर के लिए अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला बता रही है। हम तो जीत रहे हैं, दूसरी पोजीशन के लिए मुकाबला आम आदमी पार्टी और अकाली दल के बीच में है, हम तो नंबर एक पे हैं। मेरी गल तुसी सुन लो बड़े स्पष्ट तरीके नाल, और मैनू 47 साल हो गए ने इत्थे, बाद अकाली दल बीजेपी गए ने थले, आम आदमी जा रही है थले, इत्थे हुण असीं जितने की गल नहीं कर रहे, असीं 2/3 लैण की गल कर रहे हैं। आई वॉन्ट 2/3 मेजोरिटी ताकि असीं कानून बदलीए पंजाब दे टू सैटल पंजाब, जिहड़ा इन्हां ने बिगाड़ पाया इहदे च। उधर पंजाब बीजेपी अध्यक्ष का दावा है कि अकाली बीजेपी सरकार ने सूबे में ताबड़तोड़ विकास कार्य कराए हैं, ऐसे में तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनेगी। इस मौके पर विजय सांपला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को आड़े हाथों लिया। इतना विकास हमने किया आज तक कभी किसी भी सरकार ने नहीं हुआ, और आप देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस का शासनकाल देखें तो एक बल्ब जगाने की, बिजली भी उत्पन्न की, बाकी तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है। आम आदमी पार्टी में क्या क्या गुल खिलाए हैं, और करप्शन के नाम पर वोट मांगे हैं, और उनके 10 मंत्री जो है लगभग वो जेल में हैं, तो जेल में कहीं वो शादी ब्याह में तो जाता नहीं है, करप्ट लोग ही जाते हैं। दरअसल तीनों ही दल खुद को नंबर वन बताने में जुटे हैं, जबकि नंबर वन के ताज का फैसला जनता 4 फरवरी को वोट के जरिए करेगी, जिसका रिजल्ट 11 मार्च को सबके सामने होगा। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया।